नमस्कार, यूपी 75 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। लखनऊ, मेरठ, गोरखपुर और सहारनपुर में अभी नहीं खत्म होगा कोरोना कर्फ्यू। 71 जिलों में कोरोना केस 600 से कम। लखनऊ के गाजीपुर पुलिस द्वारा पकड़ा गया अरबों के कीमती कैलिफोर्नियम की आईआईटी कानपुर के विशेषज्ञों ने शुरू की। औरैया में सपा नेता धर्मेंद्र यादव पर कस रहा पुलिस का शिकंजा। कार्यकर्ताओं ने जेल से रिहाई पर जुलूस निकालकर किया था स्वागत। कानपुर मेट्रो में खास तकनीक से होगा इस्तेमाल, ट्रेन में ब्रेक लगते ही बनने लगेगी बिजली। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ में जहरीली शराब से हुई मौतों का मुख्य आरोपित गिरफ्तार। 1,00,000 के इनामी शर्मा को पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी सरकार की ट्रेस टेस्ट और ट्रीट की नीति साबित हुई कारगर। बरेली और बुलंदशहर को भी कोरोना कर्फ्यू से मिली छूट। यूपी में 67 जिलों में पाबंदियों से मिली राहत। यूपी में कोरोना टीकाकरण महाअभियान का दिखा असर, अब तक 2 करोड़ लोगों को लगवाई गई वैक्सीन। यूपी में हुआ फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। कोरोना महामारी के बीच 3 जिलों के डीएम समेत 8 आईएएस अफसरों के किए गए तबादले। कोरोना वायरस का संक्रमण उत्तर प्रदेश में तेजी से हो रहा कम। 2 माह के बाद 20,000 के नीचे पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा। सरकारी खजाने को लगी तगड़ी चोट। अप्रैल की तुलना में मई में 2,923 करोड़ कम मिला राजस्व। बरेली में नेशनल हाईवे किनारे हैवानों की हैवानियत। दोस्तों के साथ घूमने आई छात्रा से किया सामूहिक दुष्कर्म। बचाने आए दोस्त पर भी किया अधमरा। न्यू पेंशन स्कीम में आने वाले रेल कर्मियों को सरकार ने दी बड़ी राहत। मुरादाबाद में युवा रेल कर्मियों की कोरोना से मौत होने पर आश्रितों को 1 माह के अंदर मिलेगी पेंशन। यूपीटीआई पास 21,00,000 से अधिक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी। प्रमाण पत्र के आजीवन मान्यता पर जल्द होगा फैसला। उत्तर प्रदेश में ब्लैक फंगस के इलाज में होगा 2 नई दवाओं का प्रयोग। नई दवाओं से इलाज शुरू करने पर विशेषज्ञ डॉक्टरों ने लगाई मुहर। भ्रष्टाचार पर योगी सरकार का बड़ा एक्शन। 3 एसडीएम को डिमोट कर फिर से बनाया गया तहसीलदार। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, राज्य सरकार श्रमिकों उत्थान के लिए कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। भारतीय मजदूर संघ के लिए हमेशा से राष्ट्र ही सर्वोपरि रहा है। महोबा में अनुसूचित जाति की महिला प्रधान को कुर्सी से उठाकर जमीन पर बैठने को कहने और अभद्रता करने मामले पर पुलिस ने किया 10 लोगों पर मुकदमा दर्ज। गोरखपुर में विस्थापितों से मिले कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष, कहा गरीबों के साथ खड़ी है कांग्रेस। यूपी में ऑक्सीजन प्लांट के लिए उद्यमियों के क्रेडिट की बूस्टर डोज देंगे बैंक। आपदा में वित्तीय मिलेगा वित्तीय समर्थन। लखनऊ में रिटायर्ड आईएएस सूर्य प्रताप सिंह के घर पहुंची उन्नाव पुलिस, दिन भर रही गहमा गहमी। एमएमएमयूटी में फेल से पास होने के लिए 1,000 रुपए जमा करने के बाद मिलेगा कैरी ओवर परीक्षा का विकल्प।
बागपत में हत्या आरोपित युवक की ईंट और डंडों से पीट पीट कर हत्या, कुछ दिन पहले पड़ोसी को जलाने का किया था प्रयास। मेरठ में 40 किलो गांजे के साथ तस्कर हुआ गिरफ्तार, वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने की कार्यवाही। बाइक बोध घोटाले की जांच के लिए लखनऊ पहुंची ईओडब्ल्यू, मेरठ की टीम आरोपितों से कर रही है पूछताछ। मेरठ में उपचुनाव के लिए आज से होगा नामांकन शुरू, प्रशासन की सभी तैयारियां पूरी। आगरा में प्रॉपर्टी डीलर हत्याकांड में आरोपितों की 20 करोड़ की संपत्ति जब्त करने की तैयारी, पिछले साल प्रॉपर्टी डीलर की दिन दहाड़े गोली मारकर की गई थी हत्या। आगरा में यमुना में नहाने गए किशोर हो गए लापता, दो युवकों के शव यमुना से हुए बरामद। सुल्तानपुर में छत से आग लगाकर पूरी महिला युवती ने अस्पताल में तोड़ा दम, कुछ दिनों पहले पति की कोरोना से हुई थी मौत। रायबरेली में सरकारी बोरियों में भरा 63 क्विंटल गेहूं जब्त, बाहर बेचने की हो रही थी तैयारी। वैक्सीनेशन को बढ़ावा दे रहा लखनऊ के सिविल अस्पताल का फीमेल फ्रेंडली बूथ। मृत रेल कर्मियों के आश्रितों को भुगतान के लिए बनी टास्क फोर्स, जल्द भुगतान के दिए आदेश। रेमडेसिविर की मांग में हो रही कमी, संक्रमित मरीजों की संख्या घटी, डिमांड घटकर हुई 20%। डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा के समक्ष यूपी के व्यापारियों ने उठाई समस्याएं, आर्थिक पैकेज की मांग। लखीमपुर में 3 बहनों के साथ सामूहिक दुष्कर्म, कान देने के बहाने बुलाया, मारपीट कर छीने पैसे और मोबाइल। यूपी में 32,000 रोडवेज संविदा कर्मियों को मिलेगा वेतन और प्रोत्साहन भत्ता, तय हुई शर्तें। बाराबंकी में ब्लैक फंगस से महिला की मौत, निजी अस्पताल में केजीएमयू के बेड की गलत जानकारी देने का आरोप। जौनपुर में द्वारचौर के दौरान हुई चाकूबाजी में 5 लोग हुए घायल, गांव में पीएसी तैनात। मिर्जापुर में पिता ने फावड़े के प्रहार कर पुत्र की ली जान, हत्या के बाद पिता हुआ फरार। वाराणसी में टैक्सी ड्राइवर हत्याकांड का 24 घंटे के भीतर राजपाश, लूटने के लिए गमछा से कस दिया था गला। वाराणसी में बनेगा पहला पशु शब्दाग्रह, 2 करोड़ की लागत से बन रहा है शब्दाग्रह। जौनपुर में कोरोना की दूसरी लहर ने तोड़ी उद्योगों की कमर, सतहरिया में 600 करोड़ का नुकसान। गाजीपुर के सोना में हुए उपद्रव मामले में पूर्व एमएलसी सहित 1031 पर हुआ मुकदमा दर्ज। वाराणसी में डाक विभाग कराएगा अस्थि विसर्जन और श्राद्ध कर्मकांड, ओम दिव्य दर्शन।
दर्शन संस्था की टीम करेगी व्यवस्था। वाराणसी में यातायात पुलिस पकड़ेगी वाहन चोर, विशेषज्ञों की टीम ने विकसित की खास तकनीक। गोरखपुर में कल से खत्म हो सकता है कोरोना कर्फ्यू, तेजी से कम हो रहे कोरोना के मामले। रेल यात्रियों को मिली बड़ी राहत, 15 जून से फिर पटरी पर लौट आएंगी 70% ट्रेनें। सिद्धार्थनगर में मामूली विवाद में हुई जमकर तोड़फोड़, जमकर चले ईंट पत्थर। आशा को ग्रामीणों ने पीटा और रजिस्टर फाड़ा, मामले में 10 लोगों पर पुलिस ने किया केस। प्रतापगढ़ में नशेड़ी दूल्हे ने दुल्हन संग डांस करने की जिद, ग्रामीणों ने दूल्हे और परिवार वालों को बनाया बंधक। प्रयागराज में आरटीपीसीआर जांच में 10 लाख होने वाला है आंकड़ा, सरकारी केंद्रों पर दी जा रही है कोविड 19 की निःशुल्क सुविधा। एक लाख के इनामी महोबा के पूर्व एसपी मणिलाल पाटीदार को वकीलों के जरिए पकड़ेगी एसटीएफ। कोविड 19 से लड़ने के लिए आमजन को जागरूक कर रहे प्रयागराज के भाजपा कार्यकर्ता। भाजपा नेता महेश चंद बोले, तीसरी लहर के प्रति सजग रहे, प्रयागराज में भी कोरोना योद्धाओं का सम्मान करें। प्रयागराज में बोले कांग्रेस नेता, सरकार की गलत नीतियों से कोरोना संक्रमितों ने गवाई जान। रेल ब्रिज पिलर की नई तकनीक से कम बाधित होगा नदी प्रवाह, प्रयागराज में यमुना नदी पर बन रहा है पुल। उन्नाव शादी में शामिल होने आ रहे थे प्रतापगढ़, अनियंत्रित कार गड्ढे में गिरी, 2 की मौत। शातिर अपराधी साधु चौधरी ने प्रयागराज में अपने करीबियों के घर में ली थी शरण, पकड़ लिया गया। कोरोना कर्फ्यू हटने पर खूब आ रही प्रयागराज की मंडियों में सब्जियां, 10 जून के बाद बढ़ सकते हैं दाम। प्रयागराज में ग्राम विकास अधिकारी पर 1 करोड़ के दुरुपयोग का आरोप, एडीपीआरओ मामले में करेंगे जांच। प्रतापगढ़ में शराब माफिया संजय प्रताप सिंह ने निभाया याराना, हथिगवा थाने में मुंशी और पैरोकार निलंबित। प्रतापगढ़ में अब एक बार में 50 कुंतल गेहूं बेच सकेंगे किसान, अगले सप्ताह में फिर इतना ही कर सकते हैं विक्रय। प्रयागराज में सीरो सर्वे शुरू, ग्रामीणों और कैंट क्षेत्रवासियों की चेक होंगी एंटीबॉडी। ऑक्सीजन के लिए पौधारोपण कर रहे हैं लोग, मकान की छत, बालकनी और आंगन में बना रहे हैं बाग। हेड कांस्टेबल से वायरलेस सेट लूटने वाले गिरफ्तार, प्रयागराज में कीटगंज पुलिस ने 4 बदमाशों को दबोचा।
अवैध कब्जा हटाने पहुंचा प्रतापगढ़ पालिका प्रशासन, दुकानदारों ने किया विरोध, हो गई झड़प। मेरठ में ईएनए बेचने वाले गैंग पर 60,000 लीटर बरामद, 7 गिरफ्तार, अवैध शराब में होता है इसका इस्तेमाल। मेरठ में दिन निकलते ही पुलिस की शराब तस्करों से हुई मुठभेड़, 120 लीटर ईएनए से भरी 3 कैन बरामद। फिरौती के लिए अपहरण कर मुरादाबाद में कारोबारी की हत्या, बिजनौर में मिला शव। सहारनपुर के जंगल में हुई मुठभेड़, 3 बदमाशों को लगी गोली, 2 सिपाही भी घायल। आगरा में शुरू हुई मानसून आने की तैयारी, 30 जून से पहले सभी खुदाई के कामों को पूरा कर लेने के निर्देश दिए गए। कोरोना से शिक्षकों की मौत पर आपने उठाई आवाज, कहा सही आंकड़े जारी करे सरकार। कोरोना संक्रमितों के इलाज के बाद अब नेमिनाथ में बनाया गया पोस्ट कोविड केयर सेंटर। सांसद कठेरिया और उनकी पत्नी समेत 10 के खिलाफ मुकदमे दर्ज, अदालत में प्रार्थना पत्र दर्ज। अनलॉक में अलीगढ़ से गैर राज्यों में जाने वाली रोडवेज बसों पर 15 जून तक रहेगी रोक। औरैया के बिदनू में हार्डवेयर व्यवसायी के घर पर लाखों की लूट, परिवार को बनाया बंधक। और फिलहाल खबरों में इतना ही, देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।